तो दोस्तों, मैं कल सोच रहा था कि ना धंधे की लाइन में जाए जाए, तो फिर मैंने गूगल किया कि धंधा करने के लिए आखिर चाहिए क्या, जो कि मेरे पास है ही नहीं। तो मैं निराश हो गया और मैं सोने जा ही रहा था, इतने में मेरे पीछे से एक आवाज आई। अंचल, मन को मनमानी न करने दो पार, उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ, तुम्हारी उलझनों का यही उपचार है। तो फिर मैंने ठान लिया कि धंधा तो हम करेंगे। फिर मैंने थोड़ी खोजबीन की और मुझे एक ऐसा गेम मिला जिसमें हम एक गाड़ियों के व्यापारी हैं, जिसमें हमें गाड़ियों को खरीदना है और उसे अच्छी कीमत में बेचना है। और कितना प्रॉफिट होगा और नहीं, वो भी इस गेम में मैं पता चलेगा। तो आ जाओ, इस गेम को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, वेलकम टू माय डीलरशिप। तो ये है हमारी ऑफिस जहाँ से हम गाड़ियों को बेचेंगे, और काफ़ी अच्छा खासा एरिया दे रखा है। वो सब तो ठीक है, ये इतना कूड़ा कौन फेंक गया ऑफिस के बाहर। तो चलो, हमारा पहला टास्क की ऑफिस क्लीन करना है, तो करते हैं बिना किसी देरी के। ऑलराइट गाइस, सब ऑफिस करते हैं ओपन। तो अब हमें अपने डीलरशिप का नाम रखना है, तो चलते हैं कंप्यूटर पर, डेकोरेशन और ऑफिस। तो अब हम अपने डीलरशिप का नाम रखेंगे डॉर मोटर्स। थोड़ी वेट भी डाल देते हैं, और भी डेकोरेशन कर सकते हैं बट अभी नहीं। तो अब कंप्यूटर करते हैं बंद, और अब हमें चाहिए गाड़ियाँ। तो उसके लिए नेबरहुड जाकर किसी और बंदे से सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद कर उसे अच्छे प्राइस पर बेचेंगे। तो अभी के लिए तो फिलहाल तो हमें बस से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम पे तो कोई गाड़ी है नहीं। तब आ चुके हैं नेबरहुड, तो सामने कैसी भी खड़ी है, पूछते हैं कितने की है, बजट से बाहर है। तो सामने एक और टोयोटा की सेडान है, इसकी भी प्राइस शायद बजट से बाहर ही होगी। हाँ, ये भी बजट से बाहर ही है, कोई गाड़ी 15,000 से नीचे मिल ही नहीं रही है। तो फाइनली ये गाड़ी मिली है हमारे बजट में, तो इसे अब ले जाते हैं अपने डीलरशिप पर। ओ भाई, सुपर कार का इंजन डाला हुआ है क्या? वैसे टर्न तो बहुत प्यार से काट ले रही है। तो गाइस, गेम क्रैश हो गई थी इसलिए हमने दूसरी कार खरीद ली, और मैंने इसकी रिपेयरिंग और मॉडिफिकेशन पर इतने पैसे खर्च कर लिए कि कोई इसे 10,000 से ऊपर ले ही नहीं रहा है। अब इस कस्टमर को बेच के देखता हूँ कुछ मुनाफा हो, वरना मैं कम प्राइस में बेच दूँगा। चलो गाइस, हमारे घाटे का सौदा हो गया है, लेकिन अब की बार इस गाड़ी के पूरे पैसे वसूलेंगे। अभी तो इतने पैसे हैं नहीं, अब बैंक से लोन ही लेना पड़ेगा। तो चलते हैं कंप्यूटर पर और देखते हैं कितना ले सकते हैं लोन। वो मिनिमम 26,000 ही ले सकते हैं, और ये हुआ अप्रूव्ड, पैसे आ गए ना। हाँ, अरे तो अब चलते हैं सीधा नेबरहुड, और इस बार 3-4 गाड़ियाँ साथ में खरीद लेंगे। राइट गाइस, हमें अभी नेबरहुड में, और सामने एक कार है, इसकी प्राइस पूछ लेते हैं, जो कि लगता है हमें मिल जाएगी 9-10,000 में। ओके, ये भी कार अब हमारी हुई, रिपेयर पर तो ये नहीं जाएगी क्योंकि एक कार ऑलरेडी है उधर। तो पहले इस गाड़ी को लेकर चलते हैं रिपेयर करवाने, बाद में इसे लेने आते हैं। काफ़ी अच्छी कंडीशन में हमें मिल गई ये गाड़ी। ऑलराइट गाइस, हम पहुँचने वाले अपने डीलरशिप पर। तो यहाँ पर एक गाड़ी पड़ी है, इसे रिपेयर लगाते हैं, और ये लग चुकी है रिपेयर पर। तो चलो, ये हो गई है रिपेयर, तो इसको लेके चलते हैं ऑफिस के पर। धीरे धीरे जाते हैं वरना और गाड़ी ठुक जाएगी। तो इसे यहाँ पर कर देते हैं पार्क। ओके डन, अब चलते हैं वापस दूसरी गाड़ी को रिपेयर करवा। इसे भी ले चलते हैं अंदर, और इसे भी रिपेयर लगा देते हैं। तो ये भी लग चुकी है रिपेयर पर, तब तक ऑफिस पर चलते हैं, थोड़ी साफ सफाई करना है। तो इसे करते हैं कनेक्ट और डालते हैं डस्टबिन में। अब शायद हमें स्पंज अनलॉक कर सकते हैं, फिर बार बार धुलवाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। तो चलो, इसे यूज़ करते हैं।
तो गाड़ी को तो पूरा चमका दिया है। हमारी गाड़ी अब तक रिपेयर हो गई होगी तो इसे भी लेकर चलते हैं। और ये हो गई है पार्क, इसे भी क्लीन कर देते हैं। ज़्यादा गंदी तो नहीं हुई है, तो अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। दो गाड़ियाँ अभी भी नेबरहुड में हैं, उसे लेकर आते हैं। तो गाइस एक गाड़ी तो ये पड़ी सामने, तो इसमें करते हैं एंटर। अरे भाई भाई, एक्सीलेटर पर पैर रखा नहीं आ रही है, तो उठने को तैयार हो गई। तो इसके चक्कर में भी हमारी गाड़ी पीछे छूट जाती। तो करते हैं वापस रिवर्स। और अरे ब्रो क्या कर रहे हो? हाँ नहीं तो ना मुझे जाने दे रहा है ना खुद जा रहा था। कोई नहीं, उतरते हैं गाड़ी से नीचे और इस गाड़ी को भेजते हैं रिपेयर पर, और इसे हम ड्राइवर के लेके जाएंगे। इंटीरियर भी अच्छा है इस गाड़ी का। राइट गाइस, 150-150 भगाते हुए हम पहुंचने वाले हैं। इस गाड़ी को बेचने का मन तो नहीं कर रहा है, पर अभी पैसे कमाने के लिए बेचनी पड़ेगी। तो अभी तो रात हो चुकी है, इसलिए रिपेयर्स वाला भी शायद बंद हो चुकी है। तो हम जाएंगे अपने लग्जरी कंटेनर में सोने। तो करते हैं नेक्स्ट डे। आज तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिला है। लेट्स गो गाइस, सुबह हो चुकी है, तो अभी फटाफट से चलते हैं ऑफिस पर और गाड़ियाँ रिपेयर करवा कर बेचने को लगाते हैं। तो ये गाड़ी रिपेयर हो रही है, इतने में इसे क्लीन कर देते हैं। तो इसे भी चमका दिया है, तो पता नहीं अभी कितनी देर लगेगी रिपेयर होने में। तो फाइनली ये भी रिपेयर हो गई है, तो इसे भी सही सलामत डीलरशिप में कर देते हैं पार्क। और ये भी हो गई है पार्क। और ये पता नहीं रोज सुबह अपने घर का कचरा यहाँ कौन बैठ जाता है। हाँ अभी थोड़ी सस्ती डीलरशिप है, पर एक दिन यहाँ पर सिर्फ सुपर कार भी गई। हमें तो कुछ नहीं, हमें तो पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो क्लीनिंग हो गई है, अब चलते हैं गाड़ी को रिपेयर पर लगाने। ठीक है, तो ये रही हमारी कार, करते हैं एंटर और लगाते हैं रिपेयर पर। लेट्स गो गाइस, गाड़ी लग चुकी है रिपेयर पर। तब तक थोड़ा बचा कुचा काम कर लेते हैं, जो कि गाड़ियों की साफ़ सफाई, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि जब गाड़ियाँ साफ नहीं होती तो कस्टमर से कम दाम पर लेते हैं। तो ये भी साफ होने वाली है गाड़ी। क्या अब दूसरी वाली की बारी? ये भी हो गई है साफ, अब तक कार रिपेयर हो गई होगी। तो इसको रखते हैं अंदर और भाग कर जाते हैं अपनी चौथी कार को लेने। अब बैठते हैं अंदर और मारते हैं रिवर्स के। अरे भाई रिवर्स में भी 40 भाग रही है। ओके, ये भी हो गई है पार्क। हाँ तो अब लग रही है ना ये असली डीलरशिप। तो अब चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपने कंप्यूटर पर और गाड़ियाँ लगाते हैं सेल पर। और वेब पेज, अब हमें कार पर सेल पर लेना है। तो हमारी पहली कार है फोर्ड की, जिसमें 9,500 में ख़रीदा है, तो हम इसे 20,000 में बेचेंगे। ओके डन। तो अब हमारी दूसरी कार है ओली Q2, जिसे हम 50,000 में बेचेंगे। और अब चलते हैं अगली वाली पर, जो कि है किया ब्रांड की, समथिंग 7,000, और अब हम इसे 15 में सेल करेंगे। और हमारी लास्ट कार पता नहीं कौन सी है, बट इसे हम 20,000 में सेल करेंगे। ओके डन, सभी गाड़ी को सेल पर लगा दिया है। अब चलते हैं बैक और कंप्यूटर करते हैं ऑफ। ओके गाइस, कस्टमर आना भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो ठीक है बात करते हैं। पागल है क्या, 11,000 का तो खर्चा आया है और इस बंदी को इस सेम प्राइस में चाहिए कार। बगजा दिख मत चाहिए शोरूम के आसपास। ठीक है, बस ओडी की कितनी प्राइस आती है देख लेते हैं। आई थिंक अच्छी प्राइस आई है, बेच देते हैं। ओके, हमारी पहली गाड़ी बिक चुकी है। अब करते हैं अपने डोर मोटर्स को क्लोज, और इसी के साथ इस वीडियो को भी करते हैं क्लोज। तो आज था हमारा डीलरशिप का Day 1, जो कि बहुत प्रॉफिटेबल रहा। अगली वीडियो में हम और भी तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ खरीदेंगे। बाकी वीडियो पसंद आए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।